हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ तफज्जुल हुसैन और आप लोगों का सामने आज मेरा भंजा को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि भंजा ने आप सभी को यहाँ का एक्सपीरियंस बताएगा सऊदी अरब में। वो खुद अपने आप हाँ बोलेगा, मैं उनसे प्रश्न करूँगा, आप लोग बने रहिए। भंजा, आपका नाम बोलो और हमारे चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मामा, आपका चैनल में मेरे को बुलाने के लिए। और मेरा नाम है अब्दुल रज्जा, मैं यहाँ 4 साल हो गया, 2016 में आया हूँ और डाइविंग कर रहा हूँ, हाउस डाइवर में हूँ। बढ़िया चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ ड्राइविंग करते हुए आपको कैसा लग रहा है, महसूस कैसा लगता है? यहाँ पे ड्राइविंग करना अच्छा लगता है ना, इंडिया में ड्राइविंग करना अच्छा लगता है? मेरे को तो यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ड्राइविंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत ज़बरदस्त है, गाड़ी भी अपना तरीक़े से चलाना है और ज़्यादा ट्रैफिक भी, मतलब ट्रैफिक रूल हिसाब से चलाना पड़ता है। तो इंडिया देखो बहुत ट्रैफिक है, लोग ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे सब कुछ सही है, इंडिया से इससे बेहतर है। सचमुच यही टिप्पणी मैं भी दूंगा, यहाँ का ड्राइविंग में इंडिया से बेहतर है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जो नियम कानून है यहाँ बहुत कड़वा है। यहाँ हुकूमत की जो आईन है वो कोई भी बंदा हो छोड़ेगा नहीं। तो इस का बीच में एक मैंने उनसे बात सुना था, जो ऐसा एक्सपीरियंस, या हम सभी को पता है रोड में कैमरा लगा हुआ रहता है। यहाँ जो 140 का रोड है, यहाँ 140 का ऊपर चलाओगे तो कैमरा आएगा, मुखालफा अरबी में कहता है। अगर 120 का रोड है, 120 के में 20 का नीचे चलाओ कोई वो नहीं है, लेकिन 120 का उनका ऊपर नहीं साथ जाना एक चाहिए। दिन एक सा हादसा हुआ, उसका बारे में वो खुद कहेगा देखो मामा, मैं थोड़ा गया था दूर से। रियाद का बाहर, रियाद हाँ का बाहर मेरा मैडम का काम से सिलसिले में गया था बाहर, तो उधर मतलब फ्री था, ओपन था, कुछ नहीं था, कैमरा हमारा कुछ नहीं पता चल रहा था। सब लोग बोल रहा है कैमरा नहीं है, मैडम भी बोला था, सब लोग कफिल भी बोला था, कोई मुश्किल नहीं, स्पीड चलाओ इधर, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मैं रोज चला रहा था, रोज चला रहा था, एक दिन मेरा साथ ऐसा हो गया, पुलिस वाला मोबाइल ऐसे, ये मोबाइल ऐसे मतलब रोड पे ऐसे खड़ा कर कर रख देता है, तो कम से कम 1 किलोमीटर पहले रखेगा मोबाइल और 1 किलोमीटर पीछे वो गाड़ी लेके खड़ा रहता है। तो यहाँ पे आप स्पीड जा रहा है, जितना स्पीड जा रहा है ये मोबाइल कैस करता है आपका गाड़ी का, आपका स्पीड कितना अच्छा, स्पीड है, और ये मोबाइल कैस करने के बाद जो पुलिस वाला पीछे खड़ा रहता है, एक आगे किलो आगे खड़ा आगे रहता आगे है, खड़ा रहता है जो गाड़ी लेके, उनके मोबाइल पे उनका मैसेज मोबाइल में मैसेज पहुंच जाता है। ऑटोमेटिक उसका मोबाइल में मैसेज आता है, वो अपने आप रोड पे चलाएगा, आपको पकड़ लेगा। मेरे को ऐसे पकड़ा पकड़ के मेरे को पूछा तुम कितना स्पीड में आ रहा था, मैं बोला 120, तो मेरे को हंसने लगा पुलिस वाला, बोलता है तू झूठ बोल रहा है, हम बोला नहीं 120 का रोड है, 120 में आऊँगा। तो लेकिन मेरे को पता नहीं है ये जो मोबाइल उधर रखा है क्या है कैसा है, ये मामला पता नहीं है मेरे को। बाद कब में मेरे कितना को, के कब कितना दिन पहले हाँ का घटना, कितना दिन ज़्यादा पहले दिन का? नहीं हुआ, अभी 1 हफ्ता पहले हुआ, 1 हफ्ता का पहले अच्छा मैं अच्छा गया था जुल्फी, मतलब रियाद से बाहर एक जुल्फी मतलब सिटी है, अच्छा, तो उस उधर ही अलगसिम का गया, पहले, अलगसिम का पहले। अलकसिम का पहले हाँ जुल्फी, तो मैं जाते रहता उधर। अच्छा, हाँ तो ऐसे हो गया था, बाद में पुलिस वाला मेरे को ऐसे मोबाइल दिखा रहा है, बोल रहा है देख तू 148 स्पीड में आ रहा था और तू मेरे को देख के स्लो किया है। तो मेरे को बाद में बोला चल माफ़ कर दे, ये कर दे, बोलता नहीं मैं माफ़ नहीं कर सकता, ये डायरेक्ट ऑफिस पे चला गया, सरकारी एट ऑफिस में चला गया। ये इंडिया का सिस्टम नहीं है, जो मैं हाँ पुलिस को कुछ पैसा दे दूं और माफ हो जाओ, वो सिस्टम यहाँ वो नहीं है। बोलता है नहीं होगा, बाद में मेरे को फाइन मारा है, 800 रियल फाइन मारा है, 800 तो कैसे हुआ? 800 फाइन मारा है, ऐसे मतलब तो स्पीड कैमरा 500 है। ये मतलब स्पीड कैमरा का हिसाब से है, ज़्यादा स्पीड आप चला रहा है, मतलब 10% चला रहा है तो आपको 500 आएगा, और 10% से ज़्यादा चला रहा है ज़्यादा तो तो ज्यादा आपका आएगा। वही 150, मतलब 10% में 150 रियल मतलब ऐड होगा। ऐसे करते करते मेरे को मतलब 800 रियल लगा दिया फाइन। बाद में चलो जो भी हुआ कफिल मेरा भर दिया है, बाद में कफिल का भी थोड़ा गलती था, उसमें बोल रहा था मेरे को स्पीड चलाने के लिए, और बाद में जो भी हुआ, लेकिन ये बहुत जानकारी जानने वाला बात है, सबको पता नहीं, मेरे को भी इतना साल हो गया ये आइडिया मोबाइल पता, में मोबाइल में ये सो कैसे करने दोस्तों, वाला पता नहीं है। मैं भी एक टाइम पे बहुत तेज चलाया करता था, लेकिन अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि आप भी बहुत कड़वा हो गए। देखो, ये मैं आज पहली बार सुना हूँ जो भांजा का मुंह से जो मोबाइल पे पकड़ लेता है। आपको नजर नहीं लगेगा रोड में कैमरा, हम सभी को पता है, फ्लो करता हूँ रोड में कैमरा। मैं भी चलाता हूँ कभी कभी, पहले तो बहुत तेजी चलाया था, मैंने भी 160-170 तक गया था,
मैं दम्मम जब गया था तब बीच में ये रियाद का, रियाद से थोड़ा आगे तक दो चार कैमरा है यहाँ पे बीच में रियाद से, बाद में आपको आलातूल जाओ कैमरा नहीं ये है। मेरा हाँ? ये मेरा मैसेज है यहाँ। अच्छा। पे पूरा मैसेज है मेरा मुखालफा का, मतलब पूरा दिखा नहीं सकता है आप लोगों को, इसमें मेरा आईडी है, सब आईडी है, सब कुछ दिखा नहीं पाएगा, इसलिए दिखा नहीं पाऊंगा, बस थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको। हाँ अच्छा अच्छा, चुना लग गया 500 300 150 150 किसका है वो? वो 150 मारा था मेरे को, मतलब पार्किंग के लिए, और एक बेल्ट के लिए मारा था। हाँ। एक यहाँ पे 300 रियाल मारा लाइसेंस। अच्छा, के लिए। आपका सब आपका मोबाइल पे आ रहा है मैसेज? मेरा सब मोबाइल पे आ रहा है, अफसर है। गाड़ी गाड़ी एड कर लिया ना? ये जो गाड़ी का आरसी है, आरसी में जो कफिल का नाम पे रहता है। अच्छा। और नीचे लिंक रहता है ड्राइवर का। हाँ। और ड्राइवर का लिंक रहता है तो मतलब जो गलती ड्राइवर करेगा वो ड्राइवर का पास ही आएगा। अच्छा। और जो गलती कफिल का होगा मतलब लाइसेंस के लिए, फिर भी मेरा पास आया, लाइसेंस के कफिल का पास भी गया, दोनों का पास मैसेज चला जा रहा है। हाँ, दोनों का पास ही जाता है। तो दोस्तों ऐसा मेरा नहीं है, मैं कभी टेंशन लेता ही नहीं हूँ, मेरा बॉस का पास ही मैसेज वगैरह जाता है, मुझे तो ऐड करवा दिया, आखिर में हो गया ये ऐड सिस्टम हो गया, लेकिन मैं अपशर किया नहीं मेरे मोबाइल पर, और आता भी नहीं, और मेरा मुखालफा हो ही नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों से, एक दो बार मेरा हुआ है। मेरा मामा अभी आपका सामने ही फोन आया है, अगर मेरा काम कुछ भी करना है, गाड़ी का काम हो, लाइसेंस का काम हो, ऑफिशियल काम हो, बैंक का काम हो, तो मेरे को पूछ के करना पड़ेगा। ये लोग आप लोग सतर्क हो जाइए, जितने लोग सऊदी अरब में हो दोस्तों देख रहे हो, आप लोग के लिए मैसेज है, आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि मैं भी ये आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ, जो मोबाइल का कैमरा है रोड में खड़ा करके रख देता है, वो तो छोटा नज़र में नहीं आता है, हम सभी को पता है यहाँ बहुत क्वालिटी का एकदम छोटा सा छोटा जो कैमरा है वो भी कम से कम 2 फुट ऊंचा रहेगा। लेकिन अभी जो बता रहा है मोबाइल को आप कैसे पहचानोगे? कभी नहीं देख सकता, इसीलिए 140 का रोड है, वो शायद 120 का रोड है, और उन्होंने चलाया 148। तो उनको तो आएगा ही है, अगर 120 का रोड 130 तक चला लेता तो 500 रियाल ही होता है, लेकिन 140 का ऊपर चला गया इसीलिए उनको आ गया 800 रियाल। तो जो भी हो उसका कफिल ने भर लिया, अगर ऐसे दोबारा तीसरा बार 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 करते रहोगे आप जो। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसीलिए हम लोग छोटा कर दिया आप सबके सामने, और उतना ही दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और हमारे भंजा ने जो बात बताया एकदम सही, इनका साथ जो घटना हुआ है ऐसा और किसी को ना हो। हाँ, ऐसा किसी को ना हो, इसलिए मैं भी ये मैसेज किया। और तो भंजा जा रहा है, मैं भी अभी आप सबसे विदा लेना चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम जैसे कुछ शेयर करते रहो, है ना भंजा? हाँ, वही, लाइक कमेंट शेयर। ओके, बाय 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 बाय, ओके।